हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आज फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट से जो प्रोसेस होती है उसके बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनीलिंग और टेम्परिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। पहले हम बात करेंगे एनीलिंग प्रोसेस के बारे में, ये प्रोसेस हम क्यों करते हैं और क्या कारण है इस प्रोसेस करने का। उसके बाद बात करेंगे टेम्परिंग के बारे में। एनीलिंग प्रोसेस में क्या होता है, दी हार्ड रेड हॉट स्टील इज अलाउ टू कूल एट रूम टेम्परेचर वेरी स्लोली बाय विच रेड स्टील बिकम सॉफ्ट। इसका मतलब ये है कि हम स्टील को एक 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करेंगे, यानी वो पूरा लाल होने तक। उसके बाद हम उसको कूल करेंगे एट दी रूम टेम्परेचर, यानी इसको हम एक रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। स्टील की जो हार्डनेस होगी, यानी जो स्टील हार्ड होगा वो सॉफ्ट बन जाएगा। उसको हम एक फॉर्मूले से देखते हैं। हार्ड स्टील को हमने रेड होने तक हीट किया, उसके बाद कूल किया एट रूम टेम्परेचर, जिससे कि क्या हो गया, हार्ड स्टील सॉफ्ट स्टील में कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके दो पॉइंट के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो एनीलिंग के प्रोसेस में टेम्परेचर होना चाहिए 700 से लेके 800 डिग्री सेल्सियस तक। और सेकंड थिंग कि उसे कूल कैसे किया जाए। कूल करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन एनीलिंग के प्रोसेस में हम रूम टेम्परेचर पे उसे कूल करेंगे। आइए बात करते हैं टेम्परिंग के प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम डेफिनेशन पर जाते हैं, फिर समझाएंगे और उसके बाद करेंगे फॉर्मूले के बारे में। तो दी हार्ड एंड ब्रिटल स्टील, दी हार्ड एंड ब्रिटल स्टील इज हीटेड टू टेम्परेचर मच ब्लू रेडनेस एंड कूल वेरी स्लो टू रूम टेम्परेचर बाय विच ब्रिटलनेस ऑफ द स्टील डिसअपीयर वाइल द हार्डनेस रिमेन सेम। हम आखिरी लाइन पर कंसंट्रेट फिर से करेंगे, वाइल द हार्डनेस रिमेन्स सेम, यानी कि स्टील की हार्डनेस सेम है लेकिन स्टील में से जो ब्रिटलनेस थी वो खत्म हो गई। तो टेम्परिंग करने का जो प्रोसेस है, यानी टेम्परिंग करने का जो मतलब है, आइए समझते हैं फॉर्मूले से। ये है उसका फॉर्मूला, मतलब कि एक तरीका बताया गया इसे कैसे याद किया जाए। तो हमने हार्ड स्टील को हीट किया कितने टेम्परेचर पे, 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे जो ब्रिटलनेस थी स्टील की वो खत्म हो गई और स्टील हार्ड का हार्ड रहा। टेम्परिंग करने का मतलब ये है कि जो स्टील में ब्रिटलनेस है, यानी इसमें थोड़ी बहुत भी इलास्टिसिटी बची है, तो उसे खत्म करना। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि हमने यहाँ ही बात किए थे। टेम्परिंग में जो टेम्परेचर होगा वो होगा 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। और सेकेंड थिंग, उसे कूल कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने एनीलिंग में कहा, कूल करने के बहुत से प्रोसेस है, लेकिन इन दोनों प्रोसेस में हम कूल करेंगे एट द रूम टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, ये थे एनीलिंग और टेम्परिंग की वीडियो और ये थे डिफरेंस। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह की शॉर्ट और बहुत ही अच्छा समझने के लिए कमेंट करें अपने टॉपिक, हम आपको बताएंगे आपके टॉपिक का वीडियो आपकी ही डिमांड पे। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, पढ़ो पढ़ाओ और लाइव बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।